पृथ्वी पर सबसे कम खोजी गई और रहस्यमय जगहों में से एक बिल्कुल हमारी आंखों के सामने है। ये इंसानी दुनिया के सबसे आलीशान स्मारकों में से एक है। प्राचीन दुनिया का ये आश्चर्य एक ऐसा रहस्य छुपाए हुए है जिसे साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट अभी भी सुलझा नहीं पाए हैं। ये इजिप्ट में गीजा का महान स्फिंक्स है। एक बेहद बड़ी शेर की मूर्ति जिसका सिर इंसान जैसा है, उसको लगभग 4,500 साल पहले चट्टान से उकेरा गया था। वैज्ञानिक अभी भी इसको बनाए जाने की सही तारीख नहीं जानते हैं और उन्हें ये भी नहीं पता कि इसे किसने और क्यों बनाया था। इसके पीछे कई मान्यताएं और थ्योरीज हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। ज्यादातर लोगों ने इस शानदार मूर्ति को या तो तस्वीरों में देखा है या हकीकत में, लेकिन कोई नहीं जानता कि इसके नीचे क्या छिपा है। स्फिंक्स की मूर्ति को एक ही लाइमस्टोन की चट्टान से उकेरा गया था। इसकी सतह पर बचे कलर पिगमेंट्स के अवशेष ये साबित करते हैं कि इसे पेंट किया गया था। आज हम इसे जैसा देखते हैं, ये स्फिंक्स अतीत में उसे कहीं ज्यादा चमकीला और रंगीन दिखता था, लेकिन हजारों साल बाद भी इसकी शान कम नहीं हुई है। और वैसे स्फिंक्स इसका असली नाम नहीं है। इसके बनने के लगभग 100 साल या उससे ज्यादा समय बाद ग्रीक्स ने इसे ये नाम दिया था। शुरुआत में इजिप्शियंस इस मूर्ति को होर एम आखेत कहते थे। ऐसे कई लेजेंड्स और थ्योरीज हैं जो कहती हैं कि स्फिंक्स वहां एक कारण से है। ये एक वॉच डॉग की तरह है जो फैरो की कब्र और एंशिएंट इजिप्ट के रहस्यों की रखवाली करता है। ये लेजेंड्स तब और सच लगने लगते हैं जब आर्कियोलॉजिस्ट ने स्फिंक्स के पैर में छिपे हुए एंट्रेंस को खोज निकाला। उनका मानना है कि ये सीक्रेट पैसेजेस खजाने के हॉल की ओर जाने वाली सुरंगों की शुरुआत है। आप इंटरनेट पे बहुत सी कहानियां देख सकते हैं जो दावा करती हैं कि स्फिंक्स हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स में छुपाए हुए एंशिएंट और सीक्रेट नॉलेज से भरा एक भंडार है। माना जाता है कि इस भंडार के मेन आर्टिफैक्ट्स में अटलांटिस के प्राचीन पौराणिक शहर के रिकॉर्ड शामिल हैं। लेजेंड्स के मुताबिक इस शहर की पूरी लाइब्रेरी को स्फिंक्स के नीचे भेज दिया गया था। इस लाइब्रेरी में जाने का दरवाजा स्फिंक्स के दाहिने पंजे के बगल में होना चाहिए। कई आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इस दरवाजे को खोजने की कोशिश की, लेकिन वो खाली हाथ ही लौट आए। इसके अलावा अंडरग्राउंड शहर के डिटेल्ड डायग्राम्स वाली कई तस्वीरें भी हैं, जिनमें स्फिंक्स के नीचे सुरंगों और चेंबर्स का एक नेटवर्क है। कुछ लोगों का कहना है कि वहां 12 मंजिल की बिल्डिंग जितनी ऊंची इमारतें हैं जो जमीन के नीचे छिपी हैं, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट सदियों बाद भी इस रहस्यमय मूर्ति का पता लगाने में जुटे हैं। दूसरी ओर कई इजिप्शियंस स्फिंक्स के बारे में ज्यादा जानना नहीं चाहते हैं। उन्हें डर है कि कहीं वे कुछ भयानक सुपरनैचुरल चीज को ना जगा दें। 1998 में साइंटिस्ट ने स्फिंक्स के नीचे खाली गुफाओं की ओर जाने वाली सुरंगों की खोज की। उन्हें वहां पहले से हुई खुदाई के सबूत मिले। ये बहुत मुमकिन है कि कोई खजाने को खोजने और उसे ले जाने में कामयाब रहा। कुछ लोगों का मानना है कि इजिप्शियंस को स्फिंक्स के नीचे किसी तरह का आर्टिफैक्ट मिला था जिसमें अनजान सी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज थी। वो आर्टिफैक्ट इतना शक्तिशाली है कि वो इतिहास बदल सकता है। बेशक ज्यादातर थ्योरीज कॉन्स्पिरेसी फैंस की बनाई परी कथाएं हैं, लेकिन ये एक कंफर्म्ड फैक्ट है कि स्फिंक्स के नीचे गुफाओं और कमरों का एक सिस्टम छुपा है। स्फिंक्स को लेकर इतनी अफवाहें हैं कि ये समझना नामुमकिन है कि क्या सच है और क्या झूठ। कुछ भी हो, उस मूर्ति को स्टडी करना मुश्किल और खतरनाक है क्योंकि खुदाई से ये नष्ट हो सकती है। फिर अंडरग्राउंड कमरों में जाने का दरवाजा चट्टानों से ब्लॉक हो सकता है और हमेशा के लिए खो सकता है। इसके अलावा आगे की खोज के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होगी और हमेशा फाइनेंस मिलना आसान नहीं होता, लेकिन इसका मेन रीजन ये है कि ये बहुत जोखिम भरा है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोग अंडरग्राउंड लेबिरिंथ से बाहर निकल पाएंगे। इन्हीं कारणों से साइंटिस्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट्स इतने लंबे समय से इस शानदार स्ट्रक्चर की छानबीन कर रहे हैं। साउथ डकोटा में स्थित माउंट रशमोर एक और फेमस मॉन्यूमेंट है जिसमें एक रहस्य छुपा है। पहाड़ की चट्टान में उकेरे गए अमेरिकी राष्ट्रपतियों के चेहरे की हर कोई तारीफ करता है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि अब्राहम लिंकन के सर के पीछे एक सीक्रेट कमरा छिपा हुआ है। माउंट रशमोर के आर्किटेक्ट देश के इतिहास के मुख्य हिस्सों को चट्टान पर स्लैब बनाकर रिकॉर्ड के रूप में उकेरना चाहते थे, लेकिन उनके इस प्लान को अंजाम देना बहुत मुश्किल था।
फिर उन्हें इस थोड़े छोटे पैमाने पर बनाने का सुझाव दिया गया पहाड़ के अंदर एक सीक्रेट कमरा बनाने के लिए। ये आइडिया उस जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए सोचा गया था जिसमें कि आने वाली पीढ़ियों और अपने देश के इतिहास को हमेशा याद रखें। बदकिस्मती से आर्किटेक्ट के पास अपना काम खत्म करने का समय नहीं था, कई दशकों तक इसका कंस्ट्रक्शन रुका रहा। लेकिन 90 के दशक में आखिर में इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किया गया। अमेरिका के इतिहास को दर्शाने वाले पोर्सलिन एनामल पैनल्स को कमरे में रखा गया। ये मुमकिन है कि ये प्लेट्स हमेशा के लिए वहीं रह जाएं। लेकिन कम से कम अभी के लिए लोग उन्हें नहीं देख सकते। टूरिस्ट इस कमरे तक नहीं जा सकते क्योंकि अंदर जाना बहुत मुश्किल है। एक और सीक्रेट कमरा एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में है। सही तरह से कहें तो ये कमरा नहीं है बल्कि एक ऐसी जगह है जहां आप अच्छी तस्वीरें ले सकते हैं। मैनहट्टन के शानदार नजारे का मजा लेने के लिए लगभग सभी टूरिस्ट 86वीं मंजिल के ऑब्जर्वेशन डेक पर इकट्ठा होते हैं। लेकिन 102वीं मंजिल पर पैनोरमिक खिड़कियों वाली एक और डेक है। वहाँ बहुत ही कम लोग होते हैं क्योंकि उस जगह के बारे में लगभग कोई नहीं जानता। खुशकिस्मती से इस डेक तक हर कोई जा सकता है। फोटो लेने के लिए आपको शायद लंबे समय तक लाइन में इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप बेहद खास महसूस करेंगे क्योंकि आप ऐसी सीक्रेट जगह पर हैं जहां लगभग कोई भी नहीं है। लेकिन सबसे बढ़िया जगह और भी ऊंचाई पर है, 103वीं मंजिल पर। ये एक बड़ी ऑब्जर्वेशन डेक है जहां मशहूर हस्तियां अपनी तस्वीरें लेती हैं। यहां कोई पब्लिक प्लेस नहीं है लेकिन अगर आप सही लोगों को जानते हैं तो आप वहां पहुंच सकते हैं। इस साइट पर लगभग कोई सिक्योरिटी नहीं है। आपके और नीचे की उस खाई के बीच बस एक लेज है, इसीलिए यहाँ लोगों की भीड़ का आना मना है। वहां पहुंचना इतना आसान नहीं है और बिना गाइड के आपका कामयाब होना मुमकिन नहीं है। सबसे पहले आपको सही लिफ्ट चुननी होगी जो आपको वहां ले जाएगी। फिर आपको पाइप्स, इलेक्ट्रिक पैनल्स और दूसरे टेक्निकल सामान से भरे कई इंजीनियरिंग कमरों से गुजरना होगा। आपके रास्ते का फाइनल हिस्सा कुछ सीढ़ियां हैं जो एक छोटे से गलियारे के अंदर से जाती हैं और आप यहां हैं, न्यूयॉर्क के सबसे ऊपर। और अब हम पेरिस में हैं, एफिल टावर। देखा, इसके अंदर रेस्टोरेंट्स और ऑब्जर्वेशन डेक्स हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी मेहनत करते हैं तो आप एक सीक्रेट अपार्टमेंट ढूंढ सकते हैं। अब ये एक म्यूजियम है लेकिन इसे इसलिए बनाया गया था ताकि लोग इसमें रह सके। टावर के आर्किटेक्ट गुस्ताव आइफिल ने इस अपार्टमेंट को 1889 में अपने लिए बनाया था। ये लगभग एफिल टावर के टॉप पर है। सोच के देखें, वो हर दिन कितना खूबसूरत नजारा देखते होंगे। वे पहले और इकलौते किराएदार थे। इस जगह पर रहने की इजाजत किसी और को नहीं मिली। जब आर्किटेक्ट इस दुनिया में नहीं रहे तो ये अपार्टमेंट लंबे समय तक खाली रहा। हाल ही में इसे रिस्टोर किया गया और इसे एक म्यूजियम में बदल दिया गया। अंदर पिछली शताब्दी के युग को फिर से बनाया गया है। कमरे के अंदर गुस्ताव एफिल, उनकी बेटी और अमेरिकन इन्वेंटर थॉमस एडिसन के मोम के पुतले भी लगाए गए हैं। ये जगह पैसेंजर्स, लेट हो रहे ऑफिस वर्कर्स, दूसरे शहरों से घूमने आए लोगों, ट्रेन की सीटी और शोर से भरी हुई है। न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर इन सभी आवाजों के बीच आप रैकेट से टकराने वाली गेंद की आवाज सुन सकते हैं। अगर आप सही जगह पर हैं, तो न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन के अंदर एक असली टेनिस कोर्ट छिपा है। ये एक टेनिस क्लब है जो कि कई कंपनियों के एम्प्लॉयज के लिए कॉर्पोरेट गेम्स अरेंज करता है। ये क्लब 60 के दशक में खोला गया था। अब हम लंदन की चारिंग क्रॉस रोड जा रहे हैं। यहाँ एक सीक्रेट जगह खोजना आसान नहीं है। ऐसा करने के लिए आपको अपने पैरों को ध्यान से देखने की जरूरत होगी। क्या आप डामर में इन सीवर ग्रेट्स को देख सकते हैं? उनके अंदर आप लिटिल कॉम्पटन स्ट्रीट नाम के दो साइंस देख सकते हैं। हाँ, आपके ठीक नीचे एक और गली है। 19वीं सदी के आखिर में ये सभी मैप से गायब हो गई थी। इसके ऊपर चारिंग क्रॉस रोड बना दी गई। आप जो आइडेंटिफिकेशन साइंस देख सकते हैं वो पुरानी इंजीनियरिंग टनल्स का हिस्सा है। लंदन में एक और दिलचस्प जगह है। ये ट्रफाल्गर स्क्वायर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में स्थित है। पहली नजर में ये एक चौड़े लैम्प पोस्ट जैसा दिखता है लेकिन वहां बहुत सारे टूरिस्ट घूम फिर रहे हैं।
आप करीब आते हैं और महसूस करते हैं कि एक इंसान आसानी से पोस्ट के अंदर फिट हो सकता है। ये लैंप पोस्ट किसी इलेक्ट्रिशियन का नहीं बल्कि एक पुलिस ऑफिसर का है। जी हाँ, ये दुनिया का सबसे छोटा पुलिस स्टेशन है। इसे 1930 के दशक में बनाया गया था और इसे वॉच पोस्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ऑफिसर्स को एक एक करके वहाँ बैठना पड़ता था और ट्रफाल्गर स्क्वायर को देखना पड़ता था, जहाँ हमेशा से ही जेब कतरे और दूसरी सभी तरह के क्रिमिनल्स खींचे चले आते थे।